गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिजिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे जीनर डायोड्स के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड इसकी जो गेट है, इस तरह से आएगी। कि जब हम रिवर्स डायरेक्शन में उत्क्रम बायस में अग्रवाइस और उत्क्रमवाइस उत्क्रमवाइस में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, न्यूट्रल डायरेक्शन में प्लस वी प्लस आई माइनस आई। तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, उत्क्रमवाइस में ही डायोड से बढ़ जाती है, तो उसमें बंद प्रभाव जिस वोल्टेज पर जहाँ पर करंट अचानक से बढ़ती है, इसको बोल दिया हमने बंधन प्रभाव। यहाँ पर क्या होता है, जो डायोड होता है वो बर्न हो सकता है, खराब हो सकता है। इस कमी को दूर करने के लिए हम जीनर डायोड यूज करते हैं, ठीक है। इस बंधन प्रभाव को कम करने के लिए, बंधन प्रभाव को हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए हमने यूज किया जीनर डायोड का, ठीक। तो जीनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस है पी और ए, पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। और पीएन जीनर डायोड है, हमने क्या किया है, इसकी डोपिंग बढ़ा दी हमने, इसमें अशुद्धि बढ़ा दी हमने, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी हमने, इसके अंदर चार, ठीक है। तो जो ये पीएन जंक्शन डायोड है, जो जीनर डायोड है, इनका जो अग्रवाइस है, अग्रवाइस में जैसे काम करेंगे, चालकता इनकी बढ़ जाती है जीनर डायोड में। बिल्कुल सिंपल है, क्या है जीनर डायोड, इसके अंदर पी एन जंक्शन डायोड अशुद्धि, तो हमने अशुद्धि। जब पी एन जंक्शन डायोड को पश्चिम बायस में रखकर उस पर वोल्टता का मान बहुत अधिक कर दिया जाता है, तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है अचानक से, जिसे बंधन प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। इस प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलिकॉन डायोड का उपयोग करते हैं, जिसे जीनर डायोड कहा जाता है। इस डायोड की अशुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, जिसका उपयोग वोल्टता नियमन के रूप में किया जाता है, ठीक है, जिसे बंधन वोल्टता कहते हैं। इसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, डायोड को हम इस तरह से देखते हैं कि डायोड है, ठीक है, और जीनर डायोड। तो वोल्टता नियमन को मतलब हम तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिस्टर्ब ना करें, कि हम इनपुट में वोल्टेज चेंज कर रहे हैं या आउटपुट वोल्टेज चेंज भी हो रहा है, तो वोल्टता नियमन के रूप में हम जीनर डायोड का उपयोग करते हैं। तो इसका एक सर्किट यूज करते हैं, लेकिन जो इसके आप वर्किंग है, जो इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो अग्रवाइस है, अग्रवाइस में सेम काम करेगा, ठीक। अग्रवाइस में बिल्कुल सेम काम करता है जैसे पीएन जंक्शन डायोड करता है, लेकिन रिवर्स बायस में जल्दी कंडक्ट करने लगेगा। किसकी वजह से, डोपिंग की वजह से। जो हमने डोपिंग करी है, जो हमने इसकी डोपिंग बढ़ाई है जीनर डायोड,
इस करेक्टरिस्टिक्स को रिवर्स बायस की करेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करते हैं वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये वोल्टेज जो कंट्रोलर है उसका सर्किट है, तो इसके बारे में ज़्यादा चले नहीं जाए। आप उसे जीनर डायोड के बारे में बताना चाहिए, जीनर डायोड क्या है और इसका क्या उपयोग। तो जीनर डायोड के लिए सिंपल के इंजेक्शन डायोड है, सिर्फ इसकी डोपिंग हम बढ़ा देते हैं इंजेक्शन डायोड की, और जीनर डायोड का मतलब होता है ठीक है, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता, जीनर डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज कर सकते हैं ठीक। अब है फोटो डायोड, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड और फोटो डायोड। फोटो मतलब क्योंकि लाइट के अंदर फोटोन्स हैं, इसे हमें बोलते हैं फोटो डायोड, क्योंकि वो लाइट पर काम करेगा। फोटो डायोड क्या है, फोटो डायोड पीएन एन चीज बोलते हैं, इसका सिंबल फोटो डायोड, ये फोटो डायोड का सिंबल। कि फोटो डायोड क्या है, यह एक अचालक युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा में परिवर्तित करती है। इसमें प्रकाश संवेदी अचालक पदार्थ पाया जाता है, ये मतलब प्रकाश को ये विद्युत धारा में परिवर्तित कर देती है। जब फोटोडायोड प्रकाश से गिरता है, आपतित होता है ठीक, ये जो दिखाया गया आपको, जब इसको लाइट गिरेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे, और चालन बैंड में जाएंगे तो कंडक्ट करेंगे और ऊर्जा का स्थानांतरण होगा ठीक है, जिससे फोटोडायोड की 5 से 22 अवस्था में धारा बढ़ जाती है। जब प्रकाश बढ़ता जाता है, तीव्रता बढ़ती जाती है, तो फोटोडायोड में करंट का मान बढ़ता जाता है। सिंपल डायोड ही इसके ऊपर हमें प्रकाश और ये फोटो डायोड, जो सिंपल डायोड है, ये सिंपल डायोड, ये जीनर डायोड और ये फोटो डायोड, तीनों डायोड हमने देखे ठीक है। तो फोटो डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं कि फोटो डायोड को एक प्रकाश संसूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है ठीक है, ये वो बहुत जगह यूज करते हैं, फोटो डायोड के में यूज करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है लाइट से। जो फोटो डायोड की वीए करैक्टरिस्टिक्स है, तो पीएन जंक्शन डायोड की वीए करैक्टरिस्टिक्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। ये जो फोटो डायोड है उसकी जो अल्ट्रा बायस है उसे उसकी तरफ पीएन जंक्शन डायोड ठीक, जो फोटो डायोड है, जीनर डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, तीनों की फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स अल्ट्रा बायस का जो वर्क है वो सेम होता है, पीएन जंक्शन डायोड का, जीनर डायोड का और फोटो डायोड का सेम होती है ठीक। लेकिन जो रिवर्स बायसिंग है, जो पश्चिम बायस है, वो तीनों का अलग अलग, पश्चिम बायस तीनों का अलग अलग है ठीक। तो फोटो डायोड में क्या होता है, जैसे इंटेंसिटी कम है ठीक, जैसे लाइट है सुबह की, दोपहर की, शाम की, 3 बजे की, 6 बजे की, तो अलग अलग
जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाती है करंट का मान बढ़ता रहता है इस तरह से। तीव्रता बढ़ी करंट फिर तीव्रता बढ़ी तीव्रता बढ़ती जाएगी करंट का मान रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ एक माइक्रो तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस तरह से आता है ठीक है। रिवर्स बायस में काम करता है जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है इसकी करंट बढ़ती जाती है ठीक है। फोटोडायोड में इसका सिंबल क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको याद रखना है। हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे।